गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ईवीएस फॉर क्लास यूकेजी. सो दिस इज योर बुक. नाउ टेक आउट योर बुक. एवरीवन टेक आउट योर बुक. Chapter. Today is your chapter is chapter number 6. Chapter number 6. Please open your chapter number 6. चलिए स्टार्ट करते हैं. फूड वी ईट. ध्यान से देखिए आप लोग, मेरे साथ साथ बोलिए. फूड वी ईट मतलब जो खाना हम खाते हैं उससे क्या क्या होता है. व्हेन एंड व्हाई Do we eat food? When and why do we eat food? कब और क्यों हमें भोजन करना चाहिए? कब और क्यों हमें भोजन करना चाहिए? We eat food when we are hungry. We eat food when we are hungry. हमें भोजन करना चाहिए. कब करना चाहिए? जब हमें भूख लगे तब हमें भोजन करना चाहिए. ठीक है ना? क्या पूछ रहा है कि when and why, when and why do we eat food? हमें कब कब और क्यों हमें भोजन करना चाहिए. We eat food when we are hungry. We eat food when we are hungry. जब हमें भूख लगे फिर हमें भोजन करना चाहिए. Food help us grow. Food helps us grow. जो भोजन होता है वो हमारी बढ़ने में मदद करता है. ठीक है ना? देखिए जैसे इसके आप देखते हैं ना कि आप जब छोटे थे तो आप क्या थे? आप छोटे थे ना, फिर आप भोजन करने लगे. जब आप मतलब हुए फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ने लगी. तो कैसे ग्रोथ बढ़ी आपकी? आप भोजन किए, दूध पिए, मतलब खाना खाए, अलग अलग चीज़ें आपने खाए, फ्रूट्स वगैरह लिए, सब्जियां, फिर दूध वगैरह खाए, तो आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ती गई. हाइट बढ़ने के साथ साथ आपका दिमाग भी बढ़ गया. पहले आप नर्सरी, फिर LKG, UKG, UKG में आ गया ना, फिर ऐसे ही फर्स्ट में जाएंगे, फिर सेकंड में. तो ऐसे ऐसे क्या, अगर आप भोजन नहीं खाइए तो क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे. और बीमार होने पे हम लोग को कभी फीवर होता है, तो फीवर होता है तो हमें पढ़ने का मन करता है? नहीं करता है. तो वो क्या होता है, हमें वीकनेस होती है. वीकनेस क्यों होती है? हम लोग अगर टाइम से सही चीज़ें नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे खाना वगैरह, तो हम क्या होंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे और फिर हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा. इसीलिए कहते हैं ना कि अपना एक टाइम, एक रूटीन बनाइए कि हाँ मॉर्निंग में हमें कितने बजे, चलिए 5 बजे उठते हैं, 6 बजे या 7 बजे, जितने बजे भी उठते हैं, एक टाइम फिक्स कर लिए कि हमें 6 बजे तक उठना ही है. 6 बजे उठ के अपना फ्रेश होइए, ठीक है, ब्रश वगैरह कीजिए, नहाइए, दूध पीजिए, ब्रेड चाय
रोटी जो भी आप मॉर्निंग में, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है आपके ग्रो के लिए, माइंड के ग्रो के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि टाइम से, डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये मॉर्निंग की दवा है, ये जो मतलब ये सुबह, ये शाम, ये रात की दवा है, तो इसीलिए दवा वह देते हैं। अगर आप दवा नहीं खाइए, डॉक्टर आपको दवा देते हैं, दवा टाइम से अगर आप नहीं लीजिए तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं ठीक होगी। तो ऐसे क्या हो जाएगा? इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को सारी चीज़ें टाइम पे करना चाहिए, नाश्ता भी करें, ब्रेकफास्ट भी करें, डिनर भी करें, तो सारी चीज़ें हमें टाइम पे ही करना चाहिए। जब तक हम अपना रूटीन नहीं बनाएंगे हम ग्रो नहीं करेंगे। तो वही बोला है कि फूड हेल्प अस टू ग्रो, भोजन हमारे बढ़ने में मदद करते हैं। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, ये हमें स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर बनाने में हेल्प करते हैं। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? एकदम वीक हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? कोई भी चीज़, कोई भी हम लोग से बात करेगा तो हम लोग को वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इट हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले, ये हमें खेलने और पढ़ने में मदद करती है, काम करने में और पढ़ने में मदद करती है। ठीक है, वर्क एंड प्ले, काम करने में और खेलने में मदद करती है। हम लोग टाइम इसीलिए बोलते हैं, देखिए फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं वो टाइम टाइम से सारी चीज़ें अपने लेते रहते हैं और उससे उनको क्या होता है, एनर्जी मिलती है और वो अच्छे से अपना काम करते हैं। टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू ईट द मोस्ट, टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू ईट द मोस्ट, टॉक अबाउट मतलब बात करना है, वॉट यू लाइक टू ईट द मोस्ट, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उसके बारे में बात करना है। गुड हैबिट्स क्या होती हैं? मतलब गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। अब देखिए इसमें खाने के बाद दिया है, खाने के पहले भी धोना चाहिए और खाने के बाद भी धोना चाहिए। और अब तो कोरोना है ना, तो उस वजह से हम लोग को टाइम टाइम पर अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए एंड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना चाहिए। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स मीन्स फलों को और सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए। फल और सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बच्चे होते मार्केट से तुरंत आता है और तुरंत उसको जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको तुरंत खाने लगते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो कोरोना हो गया तो और नहीं करना चाहिए, कोरोना नहीं था उसके पहले भी आप लोग करते थे, लेकिन कभी भी कोरोना ख़त्म हो या ना हो, कभी भी कोई चीज़ मार्केट से आए तो उसको वॉश करके ही आप लोग खाएँ, अदरवाइज उसके पहले ना खाएँ। चीव योर फूड
वेल, चीव योर फूड वेल, खाने को अच्छे तरीके से चबा कर खाना चाहिए। बहुत से बच्चे खेलने के चक्कर में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे खाना खा लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। वो आपके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपकी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी, और फिर क्या होगा, वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, पचेगा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं खाने को धीरे धीरे और चबा के अच्छे तरीके से खाना चाहिए, जिससे वो हमारी बॉडी में लगे और डाइजेस्ट हो। खाते टाइम बोलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ मतलब साफ पानी ही पीना चाहिए, ठीक है, साफ पानी ही पीना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी पानी कहीं से भी लाए और आप पी ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। बहुत लोग के घर में आरओ नहीं होता है ना, आरओ नहीं है कोई बात नहीं, आप जो हैंड पाइप से पानी निकालते हैं उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसके बाद पीजिए, तो वो भी आपका प्योर वाटर होगा, वो भी आपका साफ पानी ही माना जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपका था फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर था। हम खाना क्यों खाते हैं, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, तो इस चैप्टर में हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग घर पे पढ़ेंगे, ठीक है, घर पे पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार वीडियो प्ले करिए, दो बार करिए, प्ले कर कर के देखिए और समझते रहिए, समझेंगे तो ही चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा और आगे इसके क्वेश्चन आंसर फिलअप वगैरह भी समझ में आएंगे। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, थैंक यू।